দেওয়া হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে। জেসে কি আপ জানতে হ্যায় প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা কি তহত হমারে সরকার গরিবী রেখা সে নিচে জীবন যাপন করনে ওয়ালে পরিবারো কো এলপিজি কা কানেকশন দেতি হ্যায়। ইয়ে হমারে প্রধানমন্ত্রী জি কে দিল কে বহুত হি করিব কা প্রকল্প হ্যায়। উনকা ইয়ে মহান সপনা হমারে দক্ষ और गतिशील पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने साकार किया। असम्भव के सम्भव करेछेन तिनि। प्रत्यंत अंचल सह आमादेर ए सुबृहत देशेर कोनाय कोनाय घरे घरे पौंछे दिएछेन एलपीजी। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध है वे स्वागत संबोधन दे। आज की कार्यक्रम में उपस्थित विश्व की लोकप्रिय जननेता भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित बंगाल के सम्माननीय राज्यपाल माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्री बहन देवश्री चौधरी जी, तमलुक के लोकसभा के सदस्य भाई दिव्येंदु अधिकारी जी, हलदिया के आदरणीय विधानसभा सदस्य बहन तापसी मंडल जी, इसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए दुर्गापुर में उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय बाबुल सुप्रियो जी, लोकसभा सदस्य आदरणीय सुरेंद्र सिंह आलूवालिया जी, लोकसभा सदस्य आदरणीय सुनील मंडल जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित बंगाल की उद्योग जगत की और विशेष करके हल्दिया में और दुर्गापुर में जुड़े हुए सारे उद्योग जगत की मित्रगण, पत्रकार मित्रगण और बंगाल को बंगाल से जुड़े हुए समूचा बंगाल में जुड़े हुए भाई और बहनों, मैं भारत सरकार की आज विभिन्न विभागों की ओर से जो कार्यक्रम का लोकार्पण की आयोजित किया गया उसमें स्वयं भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर कमल पे ये कार्यक्रम पूरा होगा। कुछ कार्यक्रम का शिलान्यास भी दिया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आदर से स्वागत करता हूं, उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने समय निकाल के विकास की इस गंगा को आप तक जोड़ने के लिए वीड़ा उठाई। आज के अवसर पे मैं पूर्व भारत की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष सम्मान और स्वागत इसीलिए करूंगा। मित्रों, अब तक देश में दिल्ली में अनेक सरकारें बनी हैं। मैं आदर के साथ इस विषय को उल्लेख करना चाहूंगा, सभी सरकारों ने, सभी प्रधानमंत्रियों ने देश की समूचा विकास के बारे में कल्पना की और जिम्मेवारी निभाई। लेकिन मैं विनम्रता के साथ इस विषय को कहना चाहूंगा, शायद देश की पहला प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे जिन्होंने पूर्व भारत की विकास की चिंता किया, आत्मनिर्भर भारत की चिंता किया और शर्त रखा, जब तक आत्मनिर्भर पूर्व भारत नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर भारत हो नहीं सकता है। इसीलिए पूर्वोदय की कल्पना किया, पूर्वोदय की कल्पना के लिए और उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए। मित्रों, हम एलपीजी के कारोबार संभालते हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा, बंगाल में 90 लाख बहनों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लगाई गई। सिर्फ कनेक्शन लगाए नहीं गया, आज स्वयं आए हैं, हल्दिया तक आए हैं, 1 मिलियन टन कैपेसिटी की विदेश से एलपीजी ले आके भारत की गरीब बहनों के घर तक एलपीजी पहुंचाने के लिए आज कार्यक्रम को लोकार्पण करने आए हैं। आजादी के बाद पहली बार घर में जैसे पानी नल में आती है, पाइप में आती है, बंगाल की 23 में से 11 जिले में घर में
नल में रंधन गैस पहुंचाने के लिए पहली बार गैस दुर्गापुर तक आई है, उसको लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे हैं। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ देश को संभालने के लिए। पिछले साल भर में मेडिसिन, पीपी किट और वैक्सीन विश्व में भारत की गौरव बढ़ रहा है। ऐसे एक विराट नेतृत्व को, एक समर्पित ऋषि को हम सब लोग आज हमारी बीच में पाके सौभाग्यवान है, खुशी है, आनंद है। समूचा पूर्व भारत की ओर से मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। অনুষ্ঠানের মূল পর্বে অর্থাৎ কিনা যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ করস্পর্শে তিনটি প্রকল্প দেশের প্রতি সমর্পণ করা হবে বা একটি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হবে, তার আগে এই প্রকল্পগুলির সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেব একটি অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে। আপকে লিয়ে প্রস্তুত হ্যায় এক ফিল্ম জিসমে আপ ইয়ে চারো প্রকল্পো কি ঝলক দেখ পায়েঙ্গে। তো চলে দেখতে হ্যাঁ ये ऑडियो विजुअल। पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, बंकिम चंद्र चैटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी अनेक विलक्षण व्यक्तित्वों से भरी, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक और सुभाष चंद्र बोस के जज्बे की भूमि, अपनी विशिष्ट संस्कृति और समृद्ध धरोहर के साथ जो देती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को गौरवशाली पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में पूर्वोदय के मिशन के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है तेजी से आगे। हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास करना है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके का भी विकास होना चाहिए, पूर्वी छोर का भी विकास होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने में गैस आधारित अर्थव्यवस्था देगी मजबूत आधार, जिसमें BPCL, गेल, IOCL के साथ NHAI के प्रोजेक्ट्स भी निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2843 करोड़ रुपए मूल्य के 88,50,000 कनेक्शन दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,169 करोड़ रुपए मूल्य के 1,73,00,000 मुफ्त सिलेंडर दिए गए, जिससे पूर्वी क्षेत्र में LPG की तेजी से बढ़ी मांग। इसी मांग की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में BPCL ने की थी परिकल्पना LPG इंपोर्ट टर्मिनल के निर्माण की। 1 मिलियन MTPA क्षमता वाले इस टर्मिनल में 250 टैंक ट्रक प्रतिदिन लोड होंगे, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित बॉटलिंग प्लांट तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाएंगे LPG। गेल द्वारा निर्मित डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 348 किलोमीटर लंबी और 8 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे क्षमता वाली ये पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जैसी महत्वाकांक्षी पाइपलाइन परियोजना का है हिस्सा, जो भारत सरकार के एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के विजन को देता है मजबूत आधार। ये पाइपलाइन पूर्वी भारत के 10 जिलों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क्स के लिए प्राकृतिक गैस की करेगी आपूर्ति, साथ ही घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक उद्यमों और परिवहन सेक्टर को निरंतर मिलेगी किफायती, पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस और उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार में मिलेगी मदद। रानीचक हल्दिया में 4-लेन ROB सह फ्लाईओवर NH-41 पर बना यह प्रोजेक्ट है NHAI का, जो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हुआ है विकसित। इसके निर्माण से मिलेगी कोलाघाट से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स तक निर्बाध यातायात और बेहतर सड़क सुरक्षा की सुविधा। IOCL के हल्दिया रिफाइनरी में ग्रुप 3 का भारत का पहला कैटालिटिक आइसो डीवैक्सिंग इकाई, जो एडवांस्ड ग्रुप 2 और 3 ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक का करेगा उत्पादन, जिसका उपयोग हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव एवं इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में होगा, जिससे इसके आयात पर निर्भरता होगी कम। पश्चिम बंगाल के नव निर्माण से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं में पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान 26 लाख कार्य दिवस के रोजगार का हुआ सृजन, साथ ही नई परियोजनाओं से 18 लाख कार्य दिवस का भी होगा सृजन, और इन सभी परियोजनाओं से भविष्य में खुलेंगे रोजगार के अनेक द्वार।
और पूर्वी भारत को मिलेगी आर्थिक गति। हल्दिया में एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और रानीचक हल्दिया में 4 लेन ROB सह फ्लाईओवर का राष्ट्र को समर्पण। साथ ही हल्दिया में कैटालिटिक आइसो डीवैक्सिंग इकाई का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि वे पास में रखा रिमोट के इस्तेमाल करके BPCL का LPG इंपोर्ट टर्मिनल लोकार्पण करें। माननीय প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ঘরে ঘরে নিরাপদ রান্নার মাধ্যম হিসেবে এলপিজি পৌঁছে দেওয়া, সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতের গ্রাহকদের স্বার্থেই এই 11,000 কোটি টাকার প্রকল্প। 348 কিলোমিটার কি ডোভি দুর্গাপুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন কা নির্মাণ গেল ইন্ডিয়া লিমিটেড নে কিয়া হ্যায়। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 2400 करोड़ रुपए है। अपनारा देखते पाच्छेन दुर्गापुरे एखन उपस्थित आछेन केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, सांसद श्री SS आलुवालिया, सांसद श्री सुनील कुमार मंडल, गेल इंडिया लिमिटेडेर वरिष्ठ आधिकारिकगण और ग्राहकवृंद। लोगों का जीवन होगा आसान, मानुषेर जीवन सहजतर कराई एई प्रकल्पेर लक्ष्य। 4 রাস্তার একটি আরবি তথা উড়ালপুল এবারে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। রানীচকমে 4 লেন আরবি সহ ফ্লাইওভার রাষ্ট্রকে সমর্পিত করেঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। इस प्रकल्प के कारण ट्रैफिक जैम अब अतीत की बात है। 190 কোটি টাকার এই প্রকল্প যানজটের সমস্যা দূর করে হলদিয়া বন্দরকে আরও অনেক সহজগম্য করে তুলেছে। বাঁচছে সময়, জ্বালানি এবং প্রাণ, কেননা এই সুগম রাস্তাপথ রাস্তার নিরাপত্তা অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিশেষে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের ক্যাটালিটিক আইসো ডিওয়্যাক্সিং ইউনিট এই প্রকল্পের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, ইস প্রকল্প কো ভি লোকার্পণ কিয়া। আত্মনির্ভর ভারত, आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रेरक भावना है। भारत के आत्मनिर्भर करे तोलार लक्ष्य के अनेकटाई एगिए निये जाबे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडेर एई प्रकल्प। देशेर प्रति उत्सर्गीकृत हलो 3টি अत्यंत जरूरी परिसेवा एवं सेई संगे आरेकटी जनकल्याणमूलक प्रकल्पेर ভিত্তিপ্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এখন সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত আগত, সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি সে বিনম্র নিবেদন হে কি ওয়ে হমে সম্বোধিত করেন। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, देवाश्री चौधरी जी, सांसद दिव्येंदु अधिकारी जी, विधायक तापसी मंडल जी, भाइयों और बहनों, आज पश्चिम बंगाल सहित समूचे पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और स्वच्छ ईंधन के मामले में
आत्मनिर्भरता के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। विशेष तौर पर इस पूरे क्षेत्र की गैस कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। आज जिन चार प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है उनसे पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होंगे। ये प्रोजेक्ट हल्दिया को देश के आधुनिक और बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित करने में भी मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, गैस आधारित अर्थव्यवस्था आज भारत की जरूरत है। वन नेशन वन गैस ग्रिड इसी जरूरत को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ नेचुरल गैस की कीमतें कम करने पर भी फोकस किया जा रहा है। बीते सालों में ऑयल और गैस सेक्टर में कई बड़े सुधार भी किए हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत पूरे एशिया में गैस की सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इस साल बजट में देश ने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है, जो क्लीन फ्यूल के अभियान को सशक्त करेगा। साथियों, 6 साल पहले जब देश ने हमें अवसर दिया था तो विकास की यात्रा में पीछे रह गए पूर्वी भारत को विकसित करने का एक प्रण लेकर हम चले थे। पूर्वी भारत में जीवन और कारोबार के लिए जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए उनके निर्माण के लिए हमने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए। रेल हो, रोड हो, हवाई अड्डे हो, जलमार्ग हो, पोर्ट हो, ऐसे हर सेक्टर में काम किया गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये पारंपरिक कनेक्टिविटी का अभाव तो था ही, गैस कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। गैस के अभाव में पूर्वी भारत में नए उद्योग तो क्या, पुराने उद्योग भी बंद हो रहे थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए पूर्वी भारत को पूर्वी बंदरगाहों और पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ने का फैसला लिया गया। साथियों, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। आज इसी पाइपलाइन का एक और बड़ा हिस्सा जनता की सेवा में समर्पित हो चुका है। लगभग 350 किलोमीटर की डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन बनने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के 10 जिलों को सीधा लाभ होगा। इस पाइपलाइन को बनाते समय करीब 11 लाख मैंडेज का रोजगार यहां के लोगों को मिला है। अब जब ये पूरी हो गई है तो इन तमाम जिलों के हजारों परिवारों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंच पाएगी। सीएनजी आधारित कम प्रदूषण वाली गाड़ियां चल पाएगी। इसके साथ साथ इससे दुर्गापुर और सिंदरी के खाद कारखाने के लिए भी
गैस की निरंतर सप्लाई संभव हो पाएगी। इन दोनों कारखानों की ताकत बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किसानों को पर्याप्त और सस्ती खाद मिल पाएगी। मेरा गेल और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह रहेगा कि जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन के दुर्गापुर हल्दिया जंक्शन को भी जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। साथियों, नेचुरल गैस के साथ साथ इस क्षेत्र में एलपीजी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्वी भारत में उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी गैस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है, जिससे डिमांड भी बढ़ी है। उज्ज्वला योजना के तहत पश्चिम बंगाल में करीब करीब 90 लाख बहनों बेटियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। इनमें से भी 36 लाख से ज्यादा एसटी और एससी वर्ग की महिलाएं हैं। वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल में एलपीजी गैस की कवरेज सिर्फ 41% थी। हमारी सरकार के लगातार प्रयास से अब बंगाल में एलपीजी गैस की कवरेज 99% से ज्यादा हो गई है। कहां 41 और कहां 99 से भी ज्यादा। इस बजट में तो देश में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और मुफ्त गैस कनेक्शन गरीबों को देने का प्रावधान किया गया है। इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने में हल्दिया में बनाए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बहुत अहम भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों परिवारों को इससे सुविधा मिलेगी। इस सेक्टर से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सप्लाई मिलेगी। इनमें से करीब 1 करोड़ उज्ज्वला योजना के ही लाभार्थी होंगे। साथ ही इससे सैकड़ों रोजगार यहां के नौजवानों को मिलेंगे। साथियों, क्लीन फ्यूल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आज यहां बीएस सिक्स फ्यूल बनाने वाले प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी शुरू किया गया है। हल्दिया रिफाइनरी में ये दूसरी कैटालिटिक डी वैक्सिंग यूनिट जब तैयार हो जाएगी तो लूप बेस्ड ऑयल्स के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। इससे हर साल देश के करोड़ों रुपया बचेंगे। बल्कि आज हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जब एक्सपोर्ट की कैपेसिटी तैयार कर सके। साथियों, पश्चिम बंगाल को फिर से देश के अहम ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट का बेहतरीन मॉडल है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट को आधुनिक बनाने के लिए बीते सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं। यहां हल्दिया का जो डॉक कॉम्प्लेक्स है उसकी कैपेसिटी को और पड़ोसी देशों से उसकी कनेक्टिविटी को सशक्त करना भी जरूरी है। ये जो नया फ्लाईओवर बना है उससे अब यहां की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब हल्दिया से पोर्ट तक जाने वाले कार्गो कम समय में पहुंचेंगे, उन्हें जाम और देरी से मुक्ति मिलेगी। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण की योजना पर काम कर रही है। ऐसी व्यवस्थाओं से हल्दिया
आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा देने वाले केंद्र के रूप में उभरेगा। इन सभी कामों के लिए हमारे साथी मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि तेज गति से कम समय में सामान्य से सामान्य मानवी के दुख को दूर करने के इस काम को बहुत ही यशस्वी ढंग से ये टीम पूरा कर पाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में फिर एक बार पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के सभी राज्यों को इन सुविधाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आंतरिक धन्यवाद जानाई माननीय प्रधानमंत्री जी के, तिनि आज आमादेर এই অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে তাকে আমরা সবাই আরেকবার দাঁড়িয়ে উঠে করতালি দিয়ে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাব। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী